हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 के इंग्लिश रीडर से फर्स्ट पोएम का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1, एवरीडे। एवरीडे मतलब होता है प्रतिदिन। तो आइए हम लोग इस पोएम को अच्छे से अध्ययन करें। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू डू टूडे। देर आर सो मैनी थिंग्स टू डू टूडे। आज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सिटी, फील्ड एंड स्ट्रीट। इन सिटी मीन्स शहर में, फील्ड एंड स्ट्रीट मतलब मैदानों और सड़कों पर। एंड पीपल आर गोइंग एवरीवेयर। और लोग हर जगह जा रहे हैं, और लोग हर जगह जा रहे हैं। विथ क्विकली हरिंग फीट। विथ क्विकली हरिंग फीट मतलब अपने तेजी कदमों के साथ, अपने तेजी कदमों के साथ। सम आर प्लॉविंग एंड सोविंग द सीड। सम आर प्लॉविंग, कुछ लोग जुताई कर रहे हैं। एंड सोविंग द सीड, और बीजों की बुआई कर रहे हैं। बीजों की बुआई कर रहे हैं। एंड सम आर रीपिंग द ग्रेन। एंड सम आर रीपिंग द ग्रेन, और कुछ लोग फसलों की कटाई कर रहे हैं। और कुछ लोग फसलों की कटाई कर रहे हैं। एंड सम हु वर्क द होल नाइट थ्रो। और कुछ लोग हु वर्क द होल नाइट थ्रो, जो रात्रि भर काम करते हैं, जो रात्रि के दौरान काम करते हैं। और कुछ लोग जो रात्रि के दौरान काम करते हैं। आर कमिंग होम अगेन, वे अब घर वापस आ रहे हैं। वे अब घर वापस आ रहे हैं। ओवर द हिल्स द सीफर्ट गोज। ओवर द हिल्स द सीफर्ट गोज, पहाड़ी पर। ओवर द हिल्स मीन्स पहाड़ी पर। द सीफर्ट गोज, भेड़ जाती हैं पहाड़ी पर, भेड़ जाती है। व्हाइल इन द बिजी टाउन, जबकि व्यस्त कस्बों में। पीपल एंड कार्स एंड मोटर कार्स, लोग और बैलगाड़ी और मोटर कार। लोग और बैलगाड़ी और मोटर कार। आर रनिंग अप एंड डाउन। आर रनिंग मतलब चल रहे हैं, अप एंड डाउन मतलब आ जा रहे हैं, तेज़ी से आ जा रहे हैं। एंड एवरीवेयर दे कम एंड गो, और वो हर जगह आते और जाते हैं। और वो लोग हर जगह आते और जाते हैं। इन सन, सूर्य के धूप में। एंड रेन, और बरसात में। एंड स्लीट, और ओलावृष्टि में भी, यानी सूर्य के धूप में, बरसात में और ओलावृष्टि में। डैट बी मे हैव वार्म क्लास टू बियर, और हम लोगों के पास गर्म कपड़े हो सकते हैं पहनने के लिए। हम लोगों के पास गर्म कपड़े हो सकते हैं पहनने के लिए। एंड फूड एनफ टू ईट, और खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। डैट बी मे हैव वार्म क्लास टू बियर, हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े होते हैं। एंड फूड एनफ टू ईट, और खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। खाने के लिए पर्याप्त भोजन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।